गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को रिलीज होकर 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है और मूवी अभी भी थिएटर्स में चल रही है। मूवी सभी जगह पर अपना नया रिकॉर्ड बना रही है और कुछ रिकॉर्ड्स को तोड़ भी रही है। तो मूवी ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है और अभी भी लोग इसे देखने जा रहे हैं। रिसेंटली हॉलीवुड में कुछ बिग बजट मूवीज़ रिलीज हुई है, लेकिन अभी भी गॉडज़िला एक्स कॉन्ग अच्छी कमाई कर रही है। मैंने खुद मूवी को अब तक 6 बार देखा है और हर बार मुझे मज़ा आया। और ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आईमैक्स में मूवी बहुत ही बढ़िया लगी। मूवी ने अब तक कितनी कमाई की है और मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अपने 4वें हफ्ते में गॉडज़िला एक्स कॉन्ग ने अब तक लगभग $11 मिलियन की कमाई की है, यानी कि लगभग 92 करोड़। USA के डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अब तक मूवी ने $171 मिलियन की कमाई की है, यानी कि लगभग 1426 करोड़। यानी कि मॉन्स्टरवर्स में ये मूवी अब तक कमाई करने के मामले में 2 नंबर पर है। 2014 की गॉडज़िला मूवी को इसने हरा दिया है। बस ये अब तक कॉन्ग स्कल आइलैंड जितनी कमाई नहीं कर पाई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मॉन्स्टरवर्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन सकती है, क्योंकि इसका जो 4th वीकेंड यानी कि 4वां हफ्ता चल रहा है वहाँ पर मूवी ने ऑलरेडी सभी मॉन्स्टरवर्स मूवीज़ को हरा दिया है। मतलब 4वें हफ्ते में मूवी इतना कमा रही है जितना बाकी मॉन्स्टरवर्स मूवीज़ ने नहीं कमाया था। USA के बाहर मूवी का इंटरनेशनल बिजनेस अब तक $315 मिलियन हुआ है, यानी कि दोस्तों मूवी ने अब तक पूरी दुनिया में लगभग $490 मिलियन की कमाई की है, यानी कि लगभग 4085 करोड़। चाइनीज़ बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी ऑलरेडी नंबर 1 पर पहुँच चुकी है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो अब तक मूवी ने लगभग इंडिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर ली है। यानी कि दोस्तों इस सब का मतलब है कि मूवी सब जगह पर सुपरहिट हो चुकी है। कुछ ही दिन में ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी और मॉन्स्टरवर्स में ये नंबर 1 पर भी आ सकती है। मूवी के सुपरहिट होने की वजह से मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर ब्राइट हो गया है। मतलब बहुत जल्द हमें मॉन्स्टरवर्स की अगली मूवी देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 भी। यहाँ तक कि हमें अब ये भी न्यूज़ मिली है कि मॉन्स्टरवर्स में अब स्पिन ऑफ सीरीज़ भी बन सकती है। मॉन्स्टरवर्स में अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सब में कुछ सालों का गैप रहता है, तो इस सब के बीच क्या हुआ इस पर कोई ना कोई सीरीज़ बन सकती है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 हमें स्कल आइलैंड पर देखने को मिल सकता है, और मॉन्स्टरवर्स में जितने भी फेमस कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर भी कोई सीरीज़ बन सकती है, जैसे कि कॉन्ग स्कल आइलैंड के एंडिंग के बाद क्या हुआ। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि मॉन्स्टरवर्स की अगली मूवी गॉडज़िला कॉन्ग 3 हो सकती है। फ्यूचर वाली मूवीज़ में हमें स्पेस गॉडज़िला, बायोलैंटे और डिस्ट्रॉय जैसे विलन्स देखने को मिलेंगे। मॉन्स्टरवर्स फैंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और फ्यूचर में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। मैं तो पहले ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें गॉडज़िला की स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिले, उसके बाद कॉन्ग की। इस सब के बीच मॉन्स्टरवर्स की टीवी सीरीज़ और सबसे आखिर में गॉडज़िला कॉन्ग 3, और पर्सनली मैं डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स जैसी भी मूवीज़ देखना चाहता हूँ। इस सब के बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 'Cause I've been living life right like I can.